चलिए आज स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन में हम स्टडी कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन। ऑक्सीडेशन नंबर की जो कैलकुलेशन हमने की है, कल हमने 5 रूल की स्टडी की थी। स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज करता। पहला रूल, एटॉमिक स्टेज, हर एलिमेंट्री स्टेज में एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता, पहला रूल। दूसरा, सेम एटम कॉम्बिनेशन करे तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के सेंटर में होंगे, मींस फर्स्ट एटम का भी उस पर अधिकार होगा, सेकंड एटम का भी उस पर अधिकार होगा, ना वो फर्स्ट के साइड डिस्प्लेस होगा ना सेकंड एटम के साइड डिस्प्लेस होगा। ऐसे केस में दोनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसको हम लैंग्वेज बदल कर भी बोल सकते हैं कि सेम एटम का कॉम्बिनेशन, सेम एटम जब कंबाइंड होते हैं मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे, चाहे वो डाइएटॉमिक हो, टेट्राएटॉमिक हो, चाहे हेक्साएटॉमिक, चाहे ऑक्टाएटॉमिक, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें 0 कंसीडर करना पड़ेगा। तीसरा रूल था, डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन हो तो एक डोनर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, उसी रेस्पेक्ट में अगला एटम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फोर्थ नंबर का रूल था कि आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके चार्ज के इक्वल होता है, जो उस पर चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। वैलेंसी को ऐसा नहीं करते, वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1 इस तरह को। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का फिफ्थ रूल है, हाइड्रोजन के केस में था। ये रूल तो है बट एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हाइड्राइड के साथ शो करेगा और नॉन मेटल के साथ वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब नॉन मेटल के साथ वो डोनर का काम करेगा और मेटल के साथ वो गेनर का काम करेगा। एक एग्जाम्पल आज फिर से समझाते हैं। NaBH को ये आप जब 11, 12 में स्टडी करेंगे तो आपके सामने कई बार आएंगे। दूसरा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा तब हाइड्राइड के नाम से वो जाना जाता है। ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों में हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लें। अब बहुत सारी चीजें हमको धीरे धीरे सब सीखना पड़ेगी कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, कब डोनर बनेगा, कब गेनर बनेगा, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, वो केवल एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इसका मतलब यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, वो डोनर है क्योंकि मेटल है। बोरान, बोरान के टोटल इलेक्ट्रॉन 5 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड 3, इसके वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ +3। इधर से कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक सोडियम ने डोनेट किया, 3 बोरान ने डोनेट किया, 4 हाइड्रोजन ने, 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बट एक हाइड्रोजन ने सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। आप हमेशा ध्यान रखिए मेटल हाइड्राइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा और मेटल को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेटल हाइड्राइड है, नॉन मेटल नंबर में कम है, इसलिए नॉन मेटल आसानी से याद हो जाते हैं। मेटल को याद करना या जब सामने आता है तो अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे लिथियम, लिथियम भी सोडियम की फैमिली का मेंबर है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, मतलब यहाँ लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। एल्यूमिनियम बोरान फैमिली का मेंबर है, उसके पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, फर्स्ट ऑर्बिट, 2, सेकंड, 8, थर्ड, 3, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाया। तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, बस ये 3 डोनेट करेगा क्योंकि मेटल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बट हाइड्रोजन का -1।
इस तरह सीधा सा दो रूल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, वो डोनर बनेगा, और मेटल हाइड्राइड के साथ या मेटल से जब भी वो रिएक्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, और जब वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा सेम एटम की तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, जीरो भी हो सकता है या होगा, होता ही, ठीक है। ये दोनों नोट करिए। चलिए ये मेटल हाइड्राइड का केस है। अब यहां स्टडी करेंगे ऑक्सीजन के कुछ एक्सेप्शनल केस। ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन एट, फर्स्ट ऑर्बिट टू, सेकंड सिक्स। ऑक्सीजन नॉन मेटल है और नॉन मेटल का नेचर हमेशा क्लीनर होगा। कैसे नेचर का होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इट मींस ऑक्सीजन हमेशा गेनर बनेगा। क्यों? कि उसके पास एक तो न्यूक्लियर चार्ज दो नंबर पर है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन के पास सबसे हाईएस्ट होता है स्मॉलर एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आता है, मींस ये स्मॉलर साइज का है, न्यूक्लियर चार्ज इस पर हायर है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर की है और गेनर नेचर की है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करेगी, ठीक है। तो गेनर होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो भी दिखता है बोर्ड पर, टू इलेक्ट्रॉन की ये गेनर है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने में दो इलेक्ट्रॉन लेस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम टाइम 99% माइनस टू हो। बहुत सारे कंपाउंड में आपको डायग्राम बना के समझा, H2O हाइड्रोजन डोनर है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू। SO2 ऑक्सीजन दो है, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो दो ऑक्सीजन कितना गेन करेगी, फोर। सल्फर ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सल्फर के वैलेंसी सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस फोर, क्योंकि सल्फर यहाँ डोनर है और ऑक्सीजन क्या है, गेनर। इधर से चार इलेक्ट्रॉन गए तो एक ऑक्सीजन के पार्ट में कितना है, तो माइनस। आगे समझ में? अगला कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन के वैलेंसी सेल में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा गेनर बनेगा, ध्यान रखिए मैक्सिमम 99% टाइम, इस कार्बन ने अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और डोनेट किए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर, बट एक ऑक्सीजन ने कितना गेन किया, एक ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस। अब ऑक्सीजन में कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे H2O2, Na2O2, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाता है, माइनस टू नहीं आएगा। कैसे बदला? और ये कौन है हम पहले समझेंगे, ये परऑक्साइड है। कौन है ये? ये दोनों परऑक्साइड है, नाम बोलूंगा मैं, इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका नाम है सोडियम परऑक्साइड, वो लिख सकते हो आप। हाइड्रोजन परऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाएं। हाइड्रोजन डोनर है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आए तो दो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लाए होंगे, दो। तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एलिमेंट का कैलकुलेशन करते हैं पहली बार, ये ध्यान रखिए, हाइड्रोजन दो आए बट एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब बताओ उधर कितने इलेक्ट्रॉन गए। ऑक्सीजन के साइड हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दो इलेक्ट्रॉन इस साइड आए बट ऑक्सीजन ऑलरेडी टू है, बताओ एक के पार्ट में कितना आया, एक के हिस्से में कितना आया, इधर से दो इलेक्ट्रॉन आए, ऑक्सीजन ऑलरेडी टू है तो एक के हिस्से में तो एक आया ना, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शनल केस के कारण चेंज हो जाएगा,
परऑक्साइड जो भी दिखे आपको उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। यहाँ भी चल के देखते हैं, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक डोनेट करेगा, दो सोडियम ने दो डोनेट किए, ऑक्सीजन के साइड दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुए, बट एक ऑक्सीजन के हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन आया, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये दोनों एक्सेप्शनल केस है ऑक्सीजन के, पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा हमेशा, बट ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 है, मींस ये एक्सेप्शनल केस। और भी एक कंपाउंड है जिसमें एक्सेप्शनल केस है, जैसे OF2, ये फ्लोरीन के सामने है ऑक्सीजन, और आप जानते हो ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस है। यहां समझा देना, ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी है कम, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 9 हो, मतलब न्यूक्लियर चार्ज किसका हायर है, अरे न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का हायर है, तो इस केस में फ्लोरीन क्या बनेगा, आपको पहले ही समझा चुके हैं, जो पावरफुल होता है वो गेनर बनता है और जो वीक होता है उसको डोनर बनना पड़ता है कंपाउंड के टाइम, डिफरेंट एटम के केस में, सेम एटम के केस में तो पार्टनरशिप का इलेक्ट्रॉन सेंटर में होगा, फ्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है हायर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां डोनर बनेगा और फ्लोरीन यहां गेनर बनेगा। सोचिए फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 9 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड सेवा है, फ्लोरीन के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन, उसकी एक फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां देख लीजिए फ्लोरीन 9 2 7, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, बट मैंने यहां फ्लोरीन 2 लिखी है 2, एक फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मींस एक ने कितना गेन किया, अरे एक फ्लोरीन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, बट ऑक्सीजन ने कितने डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन, अकेले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। 1, 2, 3, ये तीनों एक्सेप्शनल केस है ऑक्सीजन के केस में, पहले हम इसको नोट करेंगे बोर्ड पर जितनी चीजें लिखी है, उसके बाद लास्ट रूल है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोट करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का एक रूल और है, इसी से हम अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुनिए ध्यान से, अब यहां पर दो कंपाउंड अपने पास है, एक का नाम है K2Cr2O7 और दूसरे का नाम लिखते हैं हम KMnO4। दोनों के नाम बोलूंगा, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसका नेम है, ऑरेंज रेड कलर का ये होता है, लेबोरेटरी में जब आप जाओगे तो ऑरेंज रेड कलर से दिखाई देगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और ये डार्क पिंक कलर का होता है जिसको डार्क वायलेट कलर भी हम बोल सकते हैं, चलिए होगा कलर अपने को क्या लेना देना, ये वैसे भी 12th में है, 12th में जब आएंगे तब का तब टेंशन लेंगे, हमको यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना लास्ट रूल,
पहले रूल को ध्यान से सुनिए, फिर मैं उस रूल से इसको कैलकुलेट करके सिखाऊंगा और फिर उस रूल को लिखेंगे। पहला लास्ट रूल, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू जीरो। ये रूल है, फिर से सुनिए एक बार, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमेशा जीरो होगा, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल होता है। अब देखते हैं कैसे न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कैसे होगा। हमको यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है और यहाँ पर किसका पता करना है, एमएन का। मैंने अंडरलाइन कर दिया, इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट इस फार्मूले इस रूल से कैलकुलेट करेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, कैलकुलेशन करना है। ऑक्सीजन को हमको पता है ये एक्सचेंज क्या करता है, लेन देन क्या करता है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, यहाँ कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जैसे ही अपन ने बोला CR2 का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करिए तुरंत आंसर आ जाएगा। अननोन वैल्यू ये है, क्रोमियम की वैल्यू अननोन है, बट इनकी अपने को पता होना चाहिए, तब जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये कैसे पता करेंगे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, जो उसके बैलेंसी सेल में लगा ना उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, उसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, ठीक है। यहाँ पोटेशियम कितने हैं, टू। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो फार्मूला डिजाइन करते हैं वो कैसे करते हैं समझिए, पोटेशियम कितना है, टू, यहाँ लिखेंगे टू, जितना इसका नंबर है वो पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं इनटू, और ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर लिखते हैं। जो मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको प्लस लेना है और जो नॉन मेटल होगा उसका माइनस। तो पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप की मेटल और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस वन। लिख दिया, क्या किया, इसके नंबर और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मल्टीप्लिकेशन होगा, टू इंटू प्लस वन। अब ये तो अननोन है बट ये नंबर में कितना है, टू, तो इसको कंसीडर करें एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये सम कर रहे हैं, ये पोटेशियम का हिसाब किताब हो चुका है, अब इसका क्रोमियम का आएगा, तो प्लस 2x, x इसकी कंसीडर की है ऑक्सीडेशन स्टेट, अननोन वैल्यू इसको पता करना। चलिए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन नंबर में 7 है, यहां लिखेंगे 7 इनटू ऑक्सीजन, फेमस है अभी समझाए, 99% टाइम आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, कहीं भी -1 या +2 नहीं लेना, ठीक है। ये -2 इक्वल टू 0, ठीक है, इसका हिसाब किताब लगाइए भाई और इसका हिसाब किताब करके मेरे को आंसर बताइए, ठीक है। चलिए हिसाब किताब बताइए, जब आपने सब टोटल डिजाइन कर लिया तो मैथमेटिक्स भी कोई सा भी स्टूडेंट हो हिसाब किताब तो आसानी से होता है। ये 2 प्लस 2x, ये 7 इंटू -2 मतलब 14 इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम सॉल्व की, आगे बढ़ेंगे, 2x इक्वल टू 0 के उधर जाइए, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये उधर गया माइनस, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू प्लस माइनस का गेम है यहाँ पर, प्लस 6, इट मींस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6, ये आंसर आया। अब उधर चलेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे उसकी,
इसकी कैलकुलेशन करना हमको एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, प्रोसेस यही फॉलो करेगा। पोटेशियम अकेला 1 × 1+1। अब जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 × 1+1 मतलब 1 ही होगा, तो आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। प्लस एक्स, क्योंकि एमएन अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स कंसीडर होगा। ऑक्सीजन कितनी है? 4 × −2 = 0। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 हुआ, ये एक्स, ये हो गया −8 = 0। तो एक्स इक्वल टू 8 − 1, एक्स इक्वल टू +7। ये आ गया दोनों के आंसर, एक का आया +6, एक का आया +7। अब देखिए एक मेथड तो ये है, बहुत से स्टूडेंट ने तो मेरे पहले ही कैलकुलेट कर ली। अब इसको डायरेक्ट मेथड यूज कर हम अंदर ही अंदर मन में कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट मेथड है, कंपाउंड को कैसे कैलकुलेट करें, ये आपको इसलिए सिखाया जाता है कि हम कभी उलझ जाते हैं तो ये प्रोसेस यूज करना। और सिंपल मेथड होगी तो डायरेक्ट मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सुनिए जरा, इसका पता करना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले ऑक्सीजन के पास जो गेनर है उसको ढूंढो सबसे पहले। सबसे पहले सिलेक्शन करना है गेनर का, ऑक्सीजन इसमें गेनर है। कितनी ऑक्सीजन है? 7। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है? 2। तो बताओ 7 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? 7 ऑक्सीजन 14 इलेक्ट्रॉन को चाहती है, उसकी रिक्वायरमेंट 14 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम ने कितने दिए? अरे पोटेशियम एक एक देता है तो 2 ने 2 दिए हमने, सीधी सी बात, −2 कर दीजिए। जो पोटेशियम ने डोनेट कर दिए इसको हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है अभी भी? 12 इलेक्ट्रॉन। बताओ किसने दिए उसको 12 इलेक्ट्रॉन? अरे उस कंपाउंड के अंदर आप बैठे हो जो आपने डोनेट किए या किसी और ने डोनेट किए? नहीं, पोटेशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि उसकी एबिलिटी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करने की। अब रिमेनिंग है क्रोमियम। ऑक्सीजन को 12 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ने डोनेट किए हैं और 2 क्रोमियम ने 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो बताओ एक ने कितने किए होंगे? सिंपल से थिंक है, एलकेजी का बच्चा भी आंसर देगा +6। 2 क्रोमियम ने 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो एक ने 6 किए। इधर चलिए, इसको भी डायरेक्ट मेथड में आई। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। 8 में से एक किसने दिया? पोटेशियम ने। एमएन ने कितने दिए? 7। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, इसको आप नोट करिए। फिर यहां से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर, सारे रूल रेगुलेशन मैंने आपको सिखा दिए, लॉन्ग पैटर्न भी सिखा दिया, शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी, डायरेक्ट मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ होमवर्क है जो अभी है सॉल्व करना आपको। इसी तरह के कंपाउंड में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता करना है। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, हमको ये पता होना चाहिए डोनर कौन है, गेनर कौन है। कंपाउंड में ये ना पता हो कि डोनर कौन है, तो कम से कम ये पता होना चाहिए गेनर कौन है और गेनर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे H2SO4, अंडरलाइन करूंगा एलिमेंट को जिसके आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए
अब मैंने आपको इतने सारे कंपाउंड दिए हैं, इनमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, अंजलि नेट की बड़ी प्रॉब्लम है, चलिए वेदिका ने अनुष्का ने आंसर दे दिया। श्रावणी आवाज आ रही है? यस सर। मेरे को पांचवे नंबर का कंपाउंड है H3PO3, नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। हाँ, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, ठीक है। अब इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने क्या कैलकुलेट किया बताइए? H3P+3, ठीक है। चलिए इसमें हाँ yes, लास्ट का जो कंपाउंड है उसका नाम है बोरिक एसिड, H3BO3, इसका नाम है बोरिक एसिड, या लोग इसको आर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कंपाउंड के केमिस्ट्री में अलग अलग दो दो तीन तीन नाम होते हैं। तो इसमें बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैलकुलेट किया? +3+3। डायरेक्ट मेथड यूज किया इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलिए इसके बाद अंजलि वापस आ गई। अंजलि को आवाज आ रही है? आफरी, आफरीन को आवाज आ रही है? चलिए कोई प्रॉब्लम है, अंजलि तो जैसे ही अंजलि का नाम लिया वो भाग गई, फिर आ गई। चलिए भाई, PCL5 में अपूर्व नाम के स्टूडेंट है, शायद इसमें है कोई अपूर्व? अनघा, क्या बात है, कोई स्टूडेंट बोलने को तैयार? अनघा, आफरी, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, PCL5 में जिसको आता है फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। फास्फोरस नहीं, विनया गलत हो गया, सुनिए जरा, विनया ने गलत लिखा, पहले उसको समझाना पड़ेगा। विनया समझिए बोर्ड पर, PCL5 क्लोरीन के पास जाना पड़ेगा, गेनर पता होना चाहिए, क्लोरीन 17 2 8 7। ध्यान से समझिए, क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, आउटर में 7 है, उसकी रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और वो नंबर में 5 है, इसलिए फास्फोरस ने केवल 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। और ये भी ध्यान रखिए, फास्फोरस के पास 5 से ज्यादा होते भी नहीं। फास्फोरस का ये डायग्राम 2 8 5, करेक्शन करिए विनिया, आप ये +9 और मथुरा, मथुरा ने भी +9 किया है, मथुरा ये ध्यान रखिए, हम पढ़ चुके हैं आप स्टार्टिंग से हो कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो डोनेट कहां से कर देगा, करेक्शन करिए। यस सॉरी, अरे समझ में, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई डोनेट नहीं करेगा क्योंकि वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन ही 8 होते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा होते हैं। चलिए करेक्शन कर लिया, और किसी को प्रॉब्लम, और किसी को किसी कंपाउंड में प्रॉब्लम हो बोलिए, किसी कंपाउंड में कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने मोर देन 8 कैलकुलेशन किए तो करेक्शन करें, और सारे कंपाउंड में मैं फिर से बोल देता, रिपीट करता, आपने जो कैलकुलेशन किए चेक कर लीजिए। पहला कंपाउंड H2SO4 में +6 सल्फर,
HNO3 में प्लस 5 नाइट्रोजन, HNO2 में प्लस 3, उसके बाद आया PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता ओनली। H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3, H3PO4 इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड भी इसको बोलते हैं लोग, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5। और बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड इनमें आपको कैलकुलेट करना है, जितने मैंने अंडरलाइन किए उनकी आपको कैलकुलेशन करना करिए। पहले इतने कंपाउंड की कैलकुलेशन करिए, फिर और इसके बाद में होमवर्क देता करते चलिए। जिसको जो प्रॉब्लम आए आप कैलकुलेट करके रखिए, मैं आंसर पूछूंगा, जिसको जो प्रॉब्लम होगी समझा दूंगा। आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करिए चाहे इनडायरेक्ट, डोनर गेनर को आपको ध्यान रखना, कौन डोनर बनेगा कौन गेनर, ना समझ में आए डोनर कौन बनेगा गेनर कौन बनेगा तो सीधा ध्यान रखिए, जिसका एटॉमिक नंबर आया वो गेनर, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो डोनर, सीधी सी बात है। एटॉमिक नंबर जिसके ना पता हो आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, और एटॉमिक नंबर से ही उसकी रिक्वायरमेंट पता चल जाती है। करते चलिए, करिए कैलकुलेशन। तो ऑक्सीजन की जगह बदलते ही आप गड़बड़ कर गए, कुछ नहीं ऑक्सीजन यहां भी गेन आए, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगी एक ऑक्सीजन, दो। एक किसने डोनेट किया, हाइड्रोजन ने, तो एक किसने डोनेट किया होगा, क्लोरीन ने, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन, क्लोरीन डोनर बनेगी प्लस वन, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन ने केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्योंकि ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डोनेट किया। चलिए स्टार्टिंग से बता देना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ऑक्सीजन है 5, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी 10, नाइट्रोजन है 2, एक ने डोनेट किए 5, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5। नाइट्रोजन डोनर है क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, मतलब ऑक्सीजन पावरफुल है, वो गेनर बनेगी, नाइट्रोजन वीक है वो डोनर बनेगा। NCl3, अब
यहाँ क्लोरीन गेनर, कौन गेनर है? क्लोरीन गेनर है क्या नाइट्रोजन गेनर है? नाइट्रोजन यहाँ पर गेनर है, क्लोरीन डोनर बनेगी, तो माइनस थ्री, ठीक है। चलिए H2SO4 में प्लस फोर, SO3 एक ऑक्सीजन तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, सल्फर छह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके वैलेंसी सेल में होते हैं, यहाँ प्लस फोर। एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो ऑक्सीजन चार इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस थ्री, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने डोनेट किया। यहाँ तीन ऑक्सीजन छह इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, एक इसने डोनेट किया क्लोरीन ने प्लस फाइव, यहाँ प्लस सेवन। कार्बन गेनर है, हाइड्रोजन डोनर है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हैं, मतलब माइनस फोर। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन और कार्बन के कंपेरिजन में यहां पर ये गेनर है तो ये डोनर बनेगा, प्लस फोर। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन है छ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 12, हाइड्रोजन ने ही डोनेट कर दिए, कार्बन ने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नाम है ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, नोट कर लीजिए सर, नोट करिए।